بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام باب بابا سے بلند روشی پڑھ لو صلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول دروشی پڑھ لو سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك اصحابك یا مکین قلوب المؤمنین واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لو تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جرم سیاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا پر دل آزردہ کبھی تو نے ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم خریدنے کی بہت کی تجویز پر تیری رحمت نے کبھی یہ گوارا نہ کیا انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگ و دوستو نوجوان ساتھیو اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد ادیے درود و سلام حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کر لین تو بعد آپ دے سامنے کلام مقدس دے پہلے پارے دی ایک آیا مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی مالک الملک دی بارگاہ چ دعا الہ العالمین صحیح بیان کر کے مینوں اور آپ نوں سن سنا کے صحیح عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے سعادتاں خوش بختیاں خوش نصیبیاں کرم نوازیاں اور فضلاں اور عنایتاں والا مہینہ ساری زندگی دے اندر ایک واری پھر تشریف لے آیا ہے حرمت والے چار مہینیاں دے وچوں ایک اے وی مہینہ ذی الحج شریف دا بہت دی سعادت ہے بہت زیادہ اس دے اندر عبادت کرن دی برکات و حسنات نے اور اس ہی مہینے دے اندر بہت بڑی سنت جڑی پوری دنیا دے اتے ادا کیتی جاندی ہے سنت ابراہیمی وہ بھی انشاءاللہ العزیز آئے گی اللہ تبارک و تعالی سب نو توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے رستے دے اندر سانو قربانی دے جانور پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے کول استطاعت نہیں جنہ دے کول طاقت نہیں رب تعالی انہاں نوں وی طاقت عطا فرمائے اور جنہ نے
जिन्हां नूं रब ताला ने ताकत अता फरमाई है, जिहड़े इरादा रखते ने रब ताला उन्हां सारयां दीआं कुरबानियां अपनी बारगाह दे अंदर शर्फे कबूलीयत अता फरमाए। मैं अज एक वारी फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना वा मेरे बहुत ही देरीना और मुशफिको मेहरबान दोस्त जनाबे अलहाज मुहम्मद आजम साहब, जिहड़े कि बुच्चे की तो तशरीफ ले आए। अल्लाह तबारक व ताला उन्हां दा ये आना कबूल फरमाए और हर रब ताला हर हर कदम दे बदले लखू खाने की अता फरमाए। अज गल ही कुछ इस किस्म दी कुदरती तौर ते, हालांकि आई साहब दे आन दा ना कोई सबब दा पता सी, कुदरती इन्हां दी जिहड़ा मिजाज है उस मिजाज दे मुताबक मेरे मौजू दे विच भी कुछ ऐसियां गल्लां ने इश्क दे हवाले दे नाल। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ जदों मस्जिद इंटर होया तो हाजी साहब ने एक तार इश्क की छेड़ दी है, तो दुआ करना आप इश्क के वेड़े च वड़ना है। अल्लाह तबारक व ताला सानू सही और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिन्ना पाकीज़ा मुताहर और अजीम हस्तियां दा अज जिक्र खैर करना है, उन्होंने जिक्र खैर दी तुफैल रब ताला सबनू सरकार दे गुंबद खजरा दी हाजरी और ज़ियारत नसीब फरमाए। मिल के कह छोड़ो जरा आमीन। वक्त दे दामन दे अंदर इन्नी गुंजाइश नहीं कि मैं अपनी गुफ्तगू नूं ज़्यादा थोड़ी जी तवील करके बयान कर सकां। टू द पॉइंट आप दी खिदमत अर्ज खिदमत अकदस दे अंदर अर्ज कर रहा वा। मैं जिहड़ी आयत नूं अपना मौजू सहारा बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व इज़िबतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन्ना। गल जनाब इब्राहीम अलैहि सलाम दी है, गल खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम दी है, लेकिन मुखातिब रब ताला किन्नू कर रहा है? अपने महबूब नो। गल हुजूर, गल सरकार जनाब खलीलुल्लाह दी है, लेकिन अल्लाह मुखातिब कर रहा है अपने यार नू। मैं क्या इस पहले जुमले दे अंदर ही इन्ना को इश्क कुट कुट के भर दिता है रब ताला ने? अल्लाह ने दस छड़िया लोगो, दुनिया के उत्ते बड़े बड़े आशिक होंगे पर ज्यो जे आशिक मैं अपने यार दावा कोई नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, तुहाडी सुभान अल्लाह, तुम्हें सुभान अल्लाह। जिड्डे तुसी आशिक जे तुहाडे नाल दा भी कोई नहीं आना। क्यों? दुनिया के उत्ते जिहड़ा भी रब ताला ने इंसान पैदा फरमाया है एक तो जुदा बनाया है, किसे दी कोई खसलत हर एक तो जुदा है, किसी का फेस जुदा है, किसी की आवाज़ जुदा है, किसी की चाल जुदा है। इन रब ताला ने ऐसी, अल्लाह फरमाउंदा है मैं ऐसा कारीगर हाँ कि मैं बगैर पाटन तो बगैर सांचे तो तैयार करना वा, तो यह जहाँ तैयार करना वा कि यह जहाँ कोई बना ही नहीं सकता। अगर कोई बनाना चाहेगा तो पहले उन्हें मॉडल या उन्हें सांचे की लोड़ पवेगी। रब फरमाउंदा है मैं बगैर सांचे तो ही बना छड़ना वा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो तवज्जो फरमान, मेरे ते तेरे रब ने अपनी पाक कलाम अल्लाहु अकबर कुरान मुकद्दस दे अंदर इरशाद फरमाया व इज़िबतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन قال إني جاعلك للناس إماما। अल्लाह रब्बुल आलमीन लाल फरमा रहे है वा इज सोने याद करो ओ वेला ते अल्लाह अकबर या अल्लाह केड़ा वेला याद करा? फरमाया इब्तला इब्राहीम जदों मैं रब अपने प्यारे खलील नू आजमा रहा सा, जदों मैं अपने यार नू आजमाइशा तिलावां दे अंदर मुबतला की होया सी। अल्लाह फरमाउंदा है फातम महुनो, मेरे खलील ने फिर हद कर छड़ी, मेरे खलील ने फिर यारी निभा के विखा छड़ी, उन्होंने दस छड़िया लोगो
इश्क करने ते इंज कर ले, प्यार करने ते इंज कर ले, मोहब्बत करनी है ते इंज कर ले। वार दे यार दे नाय तो हर शे, वार दे यार दे नाय तो ओ तेरा ना मिट जाए ते मैनू फड़ लई। अल्लाह दे खलील ने दसड़िया जदों हर शे तू वारेगा, जदों मुहब्बत का ऐलान तू करेगा, फिर कायनात वेखेगी अजमतां तेरियां दे डंके भी कोने कोने विच वजन लग पैणगे। अल्लाह फरमाउंदा फिर की होएगा जदों मेरियां आजमाइशां दे अंदर पूरा उतर गए ते मैं भी खुश होके ऐलान कीता, कौल इन्नी जाइलो कलिन्नास इमामा। अल्लाह फरमाउंदा सोणिया मैं पूरी इंसानियत दे वास्ते तेनूं इमाम बनाउण वाला वा, तेनू मुक्तदा बनाउण वाला वा। ते उधरों जदों रब ताला दी जात होर ज्यादा राजी होई ते अपने यार नू भी हुक्म फरमा छड़िया, कुल सदा कल्ला मिल्लत इब्राहीम हनीफा। अल्लाह दा सोना मबू फरमा रहे लोगो, अल्लाह ने मेरे थ्रू ऐलान करवाए, सोनिया तू अपने यूहा वाले लब खोल, मिठड़ी जी बोली बोल, या अल्लाह के करने फरमाया दुनिया नू दसो सदा कल्लो, अल्लाह तो सिवा कौन ज्यादा सच्चे, अल्लाह सच फरमाउण वाले। या अल्लाह होर फरमाया इन्हनु कहो फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इन्हनु कहो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मिल्लत दी इत्तेबा करो, पैरवी करो, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मिल्लत दी पैरवी करो। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जेड़े हर बातल तो अलग थलग सन, जुदा सन, हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी पूरी दी पूरी जिंदगी आजमाइशां इब्तलावां दे नाल भरी हुई है। अल्लाह तबारक व ताला दा जिन्ना कोई करीबी हुंदा है, जिन्ना कोई मुकर्रब हुंदा है, जिन्ना कोई प्यारा हुंदा है, रब ताला उंजे उहदे कोलों इम्तहान भी लैंदा है, उहनू आजमांदा भी है, उहनू इब्तलावां दे अंदर जिहड़े मुबतला करदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातो व सलाम नू अल्लाह ताला ने किवें आजमाया, मेरी तेरी आजमाइश हुंदी है जदों मैं तू बाहोश हो जाने हैं, या बा औलाद हो जाने हैं, या बिजनेस और कारोबार के अंदर मुनसलिक हो जाने हैं, वत रब आजमाउंदा है, किवें आजमाउंदा है, कदी बच्चे नू कोई तकलीफ आ गई, कदी तेनू मैनू कोई तकलीफ आ गई, घर दे विच कोई परेशानी आ गई, अल्लाह फरमाउंदा है मैं ही सारा कुछ अता करना वा, तो मैं वेखना वा मेरी दित्ती हुई तकलीफ ते सबर करना है या सबर दा दामन छड के मेरी बारगाह शिर करना है। जदों मैं तू सबर कर लैने हाँ, अल्लाह फरमाउंदा है तकलीफ ते देन वाला भी मैं हाँ, दूर भी मैं ही करनी है, जदों तू सबर करना है उस तकलीफ दे निमुल बदल मैं तेनू इनिया को सादतां खुशबख्तियां ते करम नवाजियां अता कर देना कि दुनिया वेख के हैरान हो जाती है। आई बीमारी है जाहरी तौर पर, तेरे जिसम की ज़कात निकल गई, तेरे जिसम की ज़कात निकली, आई जाहरी तौर पर बीमारी, लोगों ने समझिया बीमार होए, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, फलां बीमारी आ गई, अल्लाह ताला सब बीमारों नू शिफा अता फरमाए। पर रब फरमाउंदा है जदों मोमिन नू मैं किसे आजमाइश दी अंदर मुबतला करना, मेरे ते तेरे यार दी तस्दीक आ गई, मेरे ते तेरे महबूब अरशे कायनात दे दूला दी अल्लाह अकबर तस्दीक आ गई। सरकार फरमा रहे ने जदों मोमिन ते कोई बीमारी आउंदी या रसूल अल्लाह फरमाया पता नहीं कितनियां को दे तो मुसीबतां ते गुनावां नू तो के लगी जांदी है।
तेरिया मेरिया मुसीबत खत्म हो वेंदे ने, तेरे मेरे गुनाह मिट वेंदे ने। किते नाल? बीमारी दे नाल। तो अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च सेहत ही मंगनी चाहिए, रब तआला दा फजल मंगना चाहिए। असी ओदियां आजमाइशां दे काबिल नहीं, ना साडे च इन्नी ताकत है, ना इन्नी साडे च पावर है कि असी ओदी आजमाइशां च पूरा उतर सकीए। ओदे मुकर्रबीन ने जिहड़े ओदी आजमाइश च पूरा उतर जांदे ने ते कामयाब हो जांदे ने। अल्लाह तबारक व तआला कोलो हर वेले ओदा फजल ही मंगया करो। समझ आई? फजल करें ते बख्शे जावन असां जे वी मुंह काले। अगर वो अदल करे ते फिर उचिया शाना वाले भी थर थर कंबणगे, ते जे अगर फजल करे ते फिर साढ़े जे कई मुंह काले जड़े नो बख्शे वैसन। दोस्तान दी वकार सब तो पहली आजमाइश, अजे तक इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम इस जहान ते जलवा फरमानी होए, आप दी विलादत ते बासादत नहीं होई, निमरूद दुनिया दी उत्ते पूरी कायनात दी उत्ते बादशाही करन वाला। अल्लामा मोहिनुद्दीन काशवी रहमतुल्लाह ताला फरमाउंदे ने, चार बादशाह ऐसे होए जिन्हां ने पूरी रूए जमीन दी उत्ते हकूमत की थी, पूरी हुकुम रूए जमीन दी उत्ते उन्हां दी सल्तनत दा शोरा रहा। फरमाउंदे ने दो मुसलमाना दे विचों, दो बेईमाना काफरां दे विचों, मुसलमाना दे विच जे पहले जनाबे हजरत सैयदना सुलेमान अली सलातो सलाम, दूसरे जनाबे सिकंदर ज़ुल्करनैन काफरां दे विचों एक एक नमरूद। अल्लाह अकबर, इन्ना दुआ ने पूरी कायनात दी उत्ते हकूमत की थी। जदों सुलेमान नू रब ताला ने शान दिती, अल्लाह ने मकाम ओ मर्तबा अता फरमाया, उन्हां ने रब दी बारगाह सजदा रेज़ो के शुकराना अदा कीते, अल्लाह ने होर ज्यादा आजमता अता फरमा छड़ियां ने। ते जदों काफरां नू मिली, इन्हां ने गुरूर कीता, तकबर कीता, इन्हां ने वड्याई कीती, इन्हां ने आप ही रब होण दा ऐलान कर छड़िया। अल्लाह अकबर। जदों ये ऐलान कीता ते मेरे रब ने दस्या, जिहड़ा मेरे नाल आडा लाउंदा है ते मैं फिर उन्हूं जलीलो खार किवें करना वा, ते जिहड़ा मेरा फरमा बरदार बनवैंदा है, जिहड़ा मेरी बारगाह च आजिज़ हो जांदा है, सर नूं चुकाण वाला बन जांदा है, मैं फिर एडियां एडियां वड्डियां मुसीबतां दे विच्चों कढ के उन्हूं एडी उच्ची शान अता करना कि अर्श दे फरिश्ते भी उहदे ते आशाश कर उठदे ने। नमरूद अपने घर सुते है, सुते ख्वाब दे अंदर वेखिया कि आसमान ते सितारा तलू होए, जिसने चन्न दी रोशनी, सूरज दी रोशनी ते सारिया सितारिया दी रोशनी नूं मंद कर छड़िया है, ख़त्म कर छड़िया है, बिल्कुल उहदे सामने सारे दे सारे नेस्त हो गए ने। नमरूद ने जदों उठिया ते बड़ा परेशान होया, अपने इलाके दे नजूमियां नूं बुलाया, ताबीर नवाजा नूं बुलाया, मुअब्बरा नूं बुलाया, बुला के पुछया, दसिया कि मैनू आ राती ख्वाब आया है। सारिया दे सारिया ने अपने ज़ेहन नूं लड़ा के जिहड़ा फैसला सादर कीता, इकट्ठा जिहड़ा इलामिया उन्होंने जारी किया, वो ये किया, व यकूनु हलाको का व जवालो मुल्की का अला यरी है। साहब तफसीर सावी अल जलालैन नकल फरमाउंदे ने, उन्होंने सारिया ने बयक जुबान होके ये जुमला बोलिया, व यकूनु हलाको का व जवालो मुल्की का अला यरी है, जड़ी तू अपनी बादशाही दे डंके बजा रहे हैं कि मेरे नाल दा वड्डा बादशाह कोई नहीं, मेरे नाल दा जाबर ते जालिम कोई नहीं, ताकतवर कोई नहीं, मेरे नाल दा कोई भी हुक्मरान कोई नहीं, तेरा तेरी बादशाही भी खत्म हो जानी है ते तू भी हलाक हो जाना है। किदे हथों ए जिहड़ा शहजादा इस दुनिया के उत्ते आने वाला है, जिहड़ा खुश नसीब बच्चा आने वाला है, अजे आए नहीं। उसने कहा अच्छा अजे वो आया नहीं, तो पहले ही मैनू ख्वाब दे अंदर उसका ये सारे दा सारा बायोडेटा मिल गया। उन्हें कहा मैं इन्नी ताकत वाला, इन्नी कुवत वाला, इन्नी पावर वाला, इन्नी इख्तियारात वाला हो किवें सकदा है। निमरूद ने ऐलान कर दिता, ऑर्डर जारी कर दिता, फामारा बिजब हिन गुल गुलामी युला दोफी तिलक सना। इस साल दे अंदर उन्होंने नजूमिया ने कहा ऐसे ही साल दे अंदर उस बच्चे दी विलादत होएगी जिन्हें तेनों हलाक भी कर छड़ने, तेरी बादशाहत भी खत्म कर देनी है। उन्हें कहा फामारा बिजब हिन गुल गुलामी
ਸਵਾਮੀ ਉਲਦੋ ਫੀ ਤਿਲ ਕਸਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਪੈਦਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬੇਗੁਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਵਾ ਛੜਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚੀਕ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੁਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਜੱਬਾਰੋ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਹੈ ਇਨਾ ਲਾਲਾ ਗੁਲ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਈਆਂ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਆਹੋ ਅਮਰ ਕਾਨਮ ਭੂਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਲੀਲ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਪ ਕਮ ਉਮਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਲ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਟੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲਦ ਤਾਰਖ ਜਨਾਬੇ ਤਾਰਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਅਤੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾਅਦ ਸਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਰੋ ਪਈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਪਰ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕੋਝਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਤ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਸਭ ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਇਨਾਤ ਫਰਮਾਏ ਉੱਚੀ ਕਵੋ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਅਰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ ਕਈ ਅਹਬਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਲੀਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਇਨਾਤ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਤੁਸਾਂ ਹੌਲੀ ਕਹੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਵੋ ਆਮੀਨ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਇਨਾਤ ਫਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਅਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਲੇ ਬਾ ਸਲਾਹੀਏ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਅਸਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੀਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਰਾਵਰ ਫਰਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖੇਗੀ ਇਹ ਖਲੀਲ ਮੇਰਾ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾਸਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ
आशिक मेरा बनियो ते मुसीबतां झीलनियां पैणगियां। अल्लाह अकबर तकलीफां बर्दाश्त करनियां पैणगियां। अल्लाह अकबर यही गल जनाबे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला दे कोलों किसे ने पूछी सी, ओ निजामुद्दीन दस्ते सही आशिक बनई के माशूक बनई। हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया फकीरा ठहर जाओ, मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेंदा, मैं कोई भी फैसला उन्नी देर तक नहीं लेंदा जिन्नी देर तक मैं अपनी अम्मा जान दे नाल मशवरा नहीं कर लेंदा। फरमाया ठहर जाओ, मैं अपनी मां नू पुछ के आना, मैं आशिक बना के माशूक बने। हजराती गिरामी कदर जदों जनाबे निजामुद्दीन औलिया कर तशीब ले आए अपनी अम्मा जानू अर्ज की तीनी अम्मा शहर दे अंदर एक फकीर मिले कहना सी आशिक बनेगा के माशूक। फरमाया बेटा इन्ना देर क्यों लियो, ओदे कोल ही मशवरा कर लैंदा आशिक बने के माशूक बने। जनाबे निजामुद्दीन आए फिर ढूंढ दे फिर देने तलाश कर दे फिर देने लोकां नू पुछ देने लोगो दसो ते सही ते एक एहो जिहा फकीर मैं वेखे आए। उन्हें क्या निजामुद्दीन किवें दियां गल्लां करना है, फकीरां दा शहरां दे अंदर की कम होवे, ओह ते जंगलां ते बेलियां दे अंदर रहिंदे ने, जाओ जंगल दी तरफे चला जाओ शायद तेनों कोई फकीर मिल जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया जदों शहर तो बाहर गए की वेखिए ओ फकीर मिल गया ना। आपने फरमाया ओ बेलिया तू मैनू सवाल कीते मैं जवाब पूछण वास्ते आया वा, अम्मा नाल मशवरा कर आया। फरमाया दस के बनई आशिक बनई के मशूक बनई। कहंदे अम्मा ने किया तेरे नाल ही मशवरा कर ले। फरमाया अच्छा जे मेरे नाल मशवरा करना ही, इस गल दा जवाब तेनू कल मिलेगा, कल इसे ही थां ते आ जावी जवाब मैं तेनू अता फरमा देवांगा। अल्लाह दे वली ने वादा कीता है जदों सवेर होई जनाबे निजामुद्दीन औलिया गए वेखिया ओ बंदा जड़ा है ओदा जनाब हर हर अजा जिसम तो जुदा है, पैर जुदा ने टंगा जुदा ने सर जुदा है हाथ जुदा है ताड़ जुदा है इंज खिल रहा है। कौवे कां लालियां नेड़े नेड़े लगियां फिरदियां ने, कोई चुंझ मार दी है कोई की कर दी कोई नोच रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया किनारे ते खड़े हो गए कर क्या फकीरा लगता है झूठा फकीर है। अल्लाह दा वली झूठ नहीं मारदा, अल्लाह दा वली नहीं लगता है झूठा फकीर है, कल वादा करके ते अज है कम पे करना है। आप टुर गए दुनिया तो ते मेरे सवाल का जवाब किन्ने देना है। उन्हें बिखरिया होया आजावां दे विचों जवाब आया अल्लाह दा वली जड़ा हुंदा झूठ नहीं बोलता, आ जा तेरा जवाब असी तेनू देने। सुभान अल्लाह सोच लो। आपने फरमाया आज हुजूर मेरा जवाब दियो। फरमाया अगर आशिक बने ते फेरा तक ले आजा बिखर जाएंगे, टोटे टोटे हो जाएगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जुबान ते अरफे शिकायत नहीं ले आनी। ऐसे वास्ते अल्लाह अकबर कसूर दा ताजदार भी बोले है, उन्हें भी अपने इश्क नू पेश कीता ते की कहंदा इश्क ते अगी दोवें इक्की बराबर पर इश्क दस हैगी वधे अग बले साढ़े कख ते कने पर इश्क साढ़े तनी मेरा अग बले ते बुझावे पानी। ओ दसो इश्क दा दारू
ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝੀਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਸਰ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਵੇਖਦਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਵੱਤ ਸੁੱਤਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ, 280,000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਜਾ। ਜੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਵੱਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਤੇ ਵੱਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਹਰਾਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਖਤਰ ਕੂਦ ਪੜਾ ਆਤਿਸ਼ ਨਮਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੀ ਅਕਲ ਹੈ ਮਹਿਵੇ ਤਮਾਸ਼ੋ ਇਹ ਲਬੇ ਬਾਵਾਂ ਵੀ ਅਕਲ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਮੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਾਸ਼ ਹੋ ਲਈ ਓ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੋਈ ਏ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਕਿਸਤਰ ਕਰ ਛੱਡਣੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕਾਨ ਫੀ ਕਲਬੇ ਮਾਰਿਫਤੁਲਾਹ ਲਾ ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਜਦੋਂ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਬਾਰਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵਾਂਗ ਕਨਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਨਿਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਵਧਾਣ ਦੀ ਸੱਟ ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਵਧਾਣ ਦੀ ਸੱਟ ਵਜੇ ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੱਟ ਵਜੇ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੀਆ ਕੈਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਤੋਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵਕਤ ਬਚਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਆੜਤ 'ਤੇ ਬਹਿ
के लोगों डील कर ले, अपनी दुकान ते बह के लोगों के नाल जनाबे मन कारोबारी लेन देन कर ले। पर इश्क कहंदे नहीं नहीं ऐन इश्क जिन्ना नौ लग जांदे सुक जांदे वांग कनियां दे, कुछ सुक जांदे कुछ मुक जांदे कुछ मार देंदे लोक तनियां दे। और जदों इश्क वदान दी सट वजे और गल्ला भुल जांदे खानदानियां दे, मोहम्मद बूटिया ओ कैदी इश्क दे नहीं छुटदे कैदी छुट जांदे जे खानियां दे। जनाबे खलीलुल्लाह अली सलातो सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं तेरा आशिक बने, अल्लाह ने फरमाया प्यारे इश्क दे अंदर बड़े बड़े इम्तहान ने, अल्लाह सारे पास कर जावांगा लोकां नू दस जावांगा, अगर आशिक बनने ते इब्राहिम वर्गा बन के दस के फरिश्ते भी मेरी अदावां ते अश अश कर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अपनी आदत छड़ी है, अपनी जमीन छड़ी है, लाभा लगदियां पीने मुजारे लगे ने, समझ आई थे, दुकान छड़ी है, घर बार छड़े है, गुच्छे की तो लैके सैकड़ों मस्जिदां ने इत्थों तक कि पिछे जुमे कोई नहीं आंदे, गुच्छे की दे बेचक 100 मस्जिद है, क्यों भाई साहब? पर मैं सदके जावां एक गल्ला ते इश्क दियां ले एवें तनिया से कहंदा इश्क दियां अग्गां नहीं लाइयां जांदियां, इश्क दियां अग्गां नहीं इश्क दियां अग्गां नहीं लाइयां जांदियां, लग जाने फेर नहीं बुझाइयां जांदियां। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਬਾਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਲ ਕੇ ਸਦੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਲ ਕੇ ਸਦੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਮੀਨਾਰ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਾਖੀਆਂ ਮੁਸਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਏ।
एक दिन मैंने को मन मन आ भी लई होनी सारे तन मन देनी कुछ ही कहो सुभान अल्लाह मोहब्बत नाल फिर कछोड़ कह छोड़ो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुसी ओ नहीं कहना ते अगले जुमे ते मियां साहब ने आना कोई नहीं गणे एडे टिले मुक्तदी ने ते मैं किधरे होर दे लग वैना अल्लाह अकबर सदके जावा तुहाडे तो दोस्ताने दी वकार हजरत खलीलुल्लाह अली सलातो वसलाम ने अर्ज की मौला मैं तेरा आशिक ही बनना है। अल्लाह ने फरमाया सोच ले या अल्लाह बनने आओ फिर चार अजीज तरीन चीज़ा ऐसिया ने दुनिया दी उत्ते जिन्ना तो बगैर किसे दा गुजारा नहीं वो चार चीज़ा की ने बंदे दी जान है माल है औलाद है वतन है। जान भी देने वास्ते कोई तैयार नहीं क्यों जी जान वास्ते असी पता नहीं के कुछ पापड़ वेलने हैं कि साड़ी जान सलामत रवे क्यों जी नियाजी साहब जान नू सलामत करने वास्ते गर्मी दी अंदर पंखा कारे दी अंदर लगे है फिर भी कहने एयर कूलर आ जाए ते क्या बात है जान नू सुख करने वास्ते ना एयर कूलर लगे है ते कहने एयर कंडीशन आ जाए ते फिर क्या ही बात है ये जान नू सुख करने वास्ते ना रोटी मर्चा दे नाल भी खाई जा सकती अचार दे नाल भी खाना खाया जा सकता है पर दिल नू जान नू राजी करने वास्ते बढ़िया बढ़िया आला गिज़ावां दा इस्तेमाल करना करने हाँ हाँ हाँ। अगर अल्लाह ने तौफीक बख्शी हुई है अगर अल्लाह ने ताकत दीती हुई है ते हरज कोई नहीं गुनाह कोई नहीं जिया कोई नहीं मेरे ते तेरे सरकार दा भी हुक्म है अगर तेनू रब ताला ने अल्लाह अकबर करम नवाजिया दे नाल माला माल कीता होया है फिर अपने आप ते भी खर्च करया कर अपने बच्चियां ते भी खर्च करया कर एदे नाल तेरे रिजक दी अंदर होर बरकतां आ जाणगियां। ए नहीं कि होंदियां सोंदियां बंदा पाटे लीड़े पाई वदा होवे होंदियां सोंदियां हर शै होवे भी ते वत भी बंदा आखे भी नहीं ओ कंजूसी दे बुखल दे जुमरे च आ जांदा है फजूल खर्ची तो शरीयत ने मना कीता है ज़ियात मना कीता है इन्नल मुबसिरीन कानु इख्वान शियातीन अल्लाह दा कुरान कहंदा है फजूल खर्ची करने वाले शैतान दे भाई ने अपनी जान ते अपने बच्चियां ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर वालियां ते लो याल ते जड़ा खर्च करदा उन्हूं रब ताला रिज़क दी फरावानी अता कर देंदा घर वालियां ते बहुता खर्च करया करो क्यों ए दे नाल बहुतियां बरकतां मिलदियां ने बच्चा मंगे ते उन्हूं छक के बंदा मुँह दे उत्ते रख के मारे अगे भी तेन दिते ने हूँ फत मगदा तो बंदा उन्हें पूछे सैड ते करके भी सरकार तुसी सारा दिन धुप ते खलो के काम करें दे ओ किसे सैड ते ले जाने इन्हां वास्ते इन्हां बच्चों वास्ते क्यों नहीं बच्चों वास्ते बंदा कबर की आखिरी रात तक कोशिश ते सही करता है तो बच्चों भी अल्लाह ताला हिदायत देवे ते फिर जेडे नेक औलाद होवे जेडे चंगे पुत्र होण बड़े इत्थे नौजवान बैठे ने मैं सारे ते नहीं जानता मेरे भाई मुदस्सर साहब बैठे ने इन्हों के वालद साहब फौत हुए जिस दिन के फौत हुए उस दिन तो लैके हुण तक इन्होंने अपने वालद नूं भुले भी नहीं उन्हां वास्ते साले सवाब भी करते हैं सदका जारिया भी करते हैं औलाद फिर इंज दी होवे ते फिर चस ते स्वाद भी आउंदा है क्यों जी जिहड़ी दुआ करन वाली होवे दुस्तानी दी वकार जनाबे खलीलुल्लाह ने अर्ज कीती मौला मैं तेरा आशिक बनने अल्लाह ने फरमाया आजमाइशा होंगी या अल्लाह मैं तैयार हूँ चार अजीज तरीन चीजा जिन्ने अंदर जान बंदे दी माल औलाद ते वतन अल्लाह ने फरमाया इन्ना चारा अजीज तरीन चीजा दे नाल ही तेनू आजमावगा या अल्लाह मैं हाजिर हूँ केवल हाजर साहब जदों पहली बारी जान दी आई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुन हुण जान वारन दा वेला आ गया है या अल्लाह मैं एक हरफ ही अपनी जुबान ते नहीं लियावांगा मैं तैयार हाँ उधर निमरूद चीखा बाल के बैठा होया तैयारियां कर रहे है इधर जनाबे खलीलुल्लाह नूं दस्या गया तेरे वास्ते बड़ी दराज अग बड़ी वसीओ अरीज अग दा पामड़ चल गया है ओदे अंदर तुहानूं जला देने हजरत खलीलुल्लाह कहंदे ने कोई परवाह नहीं जिद्दे अंदर यार राजी है और जिवें भी सोना और राजी हो जिवें भी सोना और राजी हो
ਹਾਜੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੀ ਸਜਣ ਦੀ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣੈਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾ ਹੋ ਅਕਬਰ ਨਾਰੇ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਾਜਤ ਸੁਣਿਆ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਏ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਯਾਸੀਨ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਨੇ ਓ ਪਿਆਰੇ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਏ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਏ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾਓ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓ ਹਸਬੀ ਮਿਨ ਸਵਾਲੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਬੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਏ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਸਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਫਾਮ ਅਦਰਾਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਸੀ ਮਿਟ ਵੈ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜੀ ਸ਼ਊਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਸੀ ਹੋਰੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੂ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਰੌਂਗਟਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਜ਼ਿੰਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਜ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪ ਠੱਡੀਆਂ ਵਾਹਾਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਠੰਡ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਸ਼ਮੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕੋਇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਯਾਰ ਲੇਟਾ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਯਾਰ ਲਟਾ ਲੈ ਸਾਗਰ ਪਾਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਯਾਰ ਲਿਟਾ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮੇਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਮੈਂ ਕਲਿਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਯਾਰ ਲਿਟਾ ਲੈ ਮੁਦੱਸਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਬਿਲਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਈ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਈ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਾ ਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਸਮ ਚਵਾ ਲੈ ਮੈਂ
कलमा नहीं छड़ना पावे अगत यार लिटाल ए भी सकदियां। अल्लाह अकबर तेनों मिसालां ते जनाब मन नजारे ते जलवे नजर आ रहे ने। एक कम भी इंजे नहीं आंदे ए भी इश्क सरकार होवे नबी दे जिक्र नाल प्यार होवे ते फेर ये निजाम चलदे ने। ए एवें नहीं चलदे ए ना ना पैसिया दी गल्ले ना अमारत तेरे रियासत दी गल्ले ना जनाब मन बैंक बैलेंस ते जमीना दी गल्ले ना आड़तां ते दुकाना दी गल्ले। ओए बड़े बड़े लोग होणगे जिन्हां नूं अपनी बैंक बैलेंस ते अपनी प्रॉपर्टी दा अंदाजा ही कोई नहीं पर कदे भी एक रुपया अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खैरात करन दी उहनां नूं हिम्मत ते तौफीक नहीं। ए गल इश्क दी ए जिन्नूं लग जांदा है पावे अग ते बोलो बोलो पावे अग ते तबाहो बर्बाद कर देंगे नेस्त तो नबूद कर देंगे ते आप यही कहते रहे लोको चले जाओ और तुसी चले जाओ हुजूर क्यों फरमाया ए मेरा ते मेरे खुदा दमले मेरा ते मेरे खुदा दा मामला ते जदों खुदा दा इश्क लेके छलांग लगाई अल्लाह दी तरफ आवाज आई कुल अपने अंदाज सलाम पेश किया ते मैं अपने अंदाज तर्जमा कर रहा वा ट्रांसलेट कर रहा वा अग की कहती है या नबी सलाम अलैका या रसूल बोल बोलो या रसूल सलाम अलैका। जो इथे मांगा मंडी का आशिक मांगा मंडी का दीवाना मस्ताना ते यगाना जो हुजूर दी बारगाह दे अंदर सलाम भेज दे सलाम पेश कर दे और दुरूद पढ़िए सवाब मिल दे सलाम पढ़िए जवाब मिल जेड़ा भी मुहब्बत दे नाल मेरी बारगाह दे अंदर सलाम पेश कर दे मैं ओदा जवाब ही देना ओदे नाल राजी भी होना ते फिर असी क्यों ना कहिए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलावतुल्लाह सारे तो चीज जाने
जान नू मैं के करना है जेड़ी तेरे नाम तो ना कुर्बान होवे। जदो जान वारी ना ते बार वाले ने किया ले एदी मुखालफत करके वक्त दे हाकम दी मुखालफत करके ते हुण चंगा रही है मिंदा पे आगे पे जाना है। हाजी साहब जेड़ी गल को कीती है चौदहवीं सदी दे मुजद्दद बरेली दे गैरतमंद बाबे ने बरेली दे ताजदार ने सुन्निया दे इमाम ने मेरे ते तेरे हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खां फादले बरेली रहमाउल्लाह ताला ने जेड़ा नक्शा पेश किया खुदा दी कसम हद ही कर छड़ी। हाँ तुहाडी सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह सदके जावां जेड़ा जिन्ने च होवे ओना को अगर पेश कर दे ना ओदी ही मेरा आज है। देखो ना कोई पैसे वाला तो पैसे पेश करे ओदी ओ मेरा आज है। कोई जुबान नाल कलाम कर सकता है कलाम करे ओ दियो मेराज है। साडा भाई इमरान सरकार दे जिक्र वास्ते कैमरे दी ड्यूटी पेश कर सकता है बेलौस एक रुपए दा रवादार नहीं एक चवानी दा भी एक रुपए दा रवादार नहीं बिल्कुल फी सबीलिल्लाह ये नौकरी पेश कर सकते हैं। मैंने इन्होंने एक पहली मरतबा जो राबता होया ना हालांकि पहले शनासाई भी कोई सी किबला कारी साहब के थ्रू तो मैंने कहन लगे कारी साहब अगर मैं कर होवां सही मैं मस्जिद जरूर हाजिर होवांगा मैं कर होवां सही। अज लाहौर जा रहे सन लाहौरों वापस आने मैं क्या मेरे आई साहब आ रहे हैं मुहब्बत नाल ते इश्क नाल आ रहे हैं ते तुसी इन्हें कह दी असी लाहौर का प्रोग्राम कैंसल कर छड़िया क्योंकि ये लोगों ने ना पिछले जुमे ते मैंने पता चलिया भी इमरान साहब दसो किन्ने पैसे लेंदे हो ये उंज बड़े पैसे लेंदे ने उंज लेंदे ने बड़े पैसे लेंदे ने पर इत्थों सरकार दे जिक्र दा रुपया नहीं लेंदे। इंशाल्लाह लाकडाउन खुल लवे फिर इन्हां दे भी खुल जाणगे दरवाजे उची कहो सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जड़ा नक्शा पेश कीता है आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू नूं समेट रहा हां। वक्त दे दामन दे अंदर इन्नी गुंजाइश नहीं आओ दोस्तान दी वकार जदों खलीलुल्लाह नूं उन्हां ने कियो सजे खब्बे दे क्यों राजी वक्त दी हुक्मरान दे नाल टक्कर लै लई ना जान रही ना माल रियो ना औलाद रही ना करबार रिया आपने फरमाया तुसी ते चले कमले पागल हो गए तानू के पता होवे मेरे कोलों पुछो करूं ते रे नाम पे जो फीदा मेरे मौला करूं तेरे नाम पे जो फीदा न बस एक जहां दो जहां फीदा दो जहां से भी नहीं जी बराए दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जह नहीं आपने फरमाया मैं दुनिया वालों नू दस जियांगा ओ खलील लो इस जान दे पेपर चो भी 100% कामयाब होंगे फिर वारी आएगी माल दी फिर वारी आएगी वतन दी फिर माली आएगी औलाद दी ये सारा कुछ कुर्बान आन करके दसेगा अगर इश्के खुदा हासिल करना है ये चार चीजां वार तू दे इश्क दी महराज तेनू रब कराए। हजरत खलीलुल्लाह ने सब कुछ वारे है पर बेतरतीब अर्ज करांगा आज दे दिन बस क्योंकि मौजूद अंदर इन्नी कोई गुंजाइश सी मेरा टाइम अगे भी काफ़ी हो गया। अल्लाह तबारक व ताला सानू सुन्नत इब्राहिमी सारिया नू अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। अगले जुमे अगला जुमा हाँ ईद तो इंशाल्लाह ताला पहले आएगा एक दिन मुलाकात होएगी उस तो बाद फिर इंशाल्लाह ईद तो बाद मुलाकात होंगी। अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे आमीन वाखरू।